बढ़ते आगे, रांची की खबर है जहां अनगढ़ा में भू माफियाओं की गुंडई देखने को मिली है। जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे भू माफिया, विरोध करने पर भू माफियाओं ने महिलाओं को पीट तक डाला है। शिकायत के बाद भी अनगढ़ा थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस समय की ये ब्रेकिंग खबर दिखा रहे और जमीन से जुड़े जो मामले हैं, गड़बड़ झाले के मामले लगातार न्यूज 11 भारत दिखा रहा है अपने दर्शकों तक, वो तस्वीरें वो खबर को पहुंचा रहा है जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके। जन सरोकार के मुद्दे से न्यूज 11 भारत का भी वास्ता है और हम जनहित के मुद्दे को इसी तरह से उठाते रहते हैं। फिलहाल जो इस समय की ब्रेकिंग खबर आपको दिखा रहे, ये कहीं और नहीं बल्कि राजधानी रांची से निकलकर सामने आई है। अनगढ़ा में भू माफियाओं की गुंडई देखने को मिली है। देखिए किस तरह से ये भू माफिया अब गुंडई करने पर उतर चुके हैं। जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे ये भू माफिया, विरोध करने पर जो महिलाएं विरोध करने के लिए जाती है वहां पर कहती हैं कि हमारी जमीन है, आप इस पर जबरन कब्जा ना करें, तो इन महिलाओं को भू माफिया पीटने से भी परहेज नहीं करते। क्या ये गुंडागर्दी की तस्वीर राजधानी रांची से निकलकर सामने आएगी? प्रशासन मौन क्यों है, सवाल खड़ा होता है। शिकायत के बाद भी अनगढ़ा थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर हम इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे और जो सवाल है वो दिखाते रहेंगे। आपसे हमें जवाब चाहिए कि क्या इन भू माफियाओं की गुंडई रुकनी चाहिए कि नहीं? क्या ये भू माफिया इसी तरह से जबरन जमीन पर कब्जा करेंगे? क्या इन भू माफियाओं को रोकने वाला कोई नहीं? और जो विरोध करने जाती है महिलाएं, उन पर ये भू माफिया हाथ भी उठाने से परहेज नहीं करते, इनकी पिटाई तक कर डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो तब खड़ा होता है कि जब ये महिलाएं शिकायत के लिए पहुंचती है अनगढ़ा थाने में, तो इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। प्रशासन मौन क्यों है? समाज की सुरक्षा करने वाली ये पुलिस आखिर मौन क्यों है? क्यों इन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा? और क्या भू माफियाओं का इसी तरह से दबंगई देखने को मिलेगी? कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आपको दिखा रही है, वही जमीन है जहां पर भू माफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं यहां पर। और भू माफियाओं के जो है वो विरोध करने वाली महिलाओं पर भी हाथ उठाने से परहेज नहीं करते, उनकी पिटाई तक कर डालते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश फोन लाइन पर है, बुंडू से तमाम जानकारी चाहेंगे। दिनेश, हम लगातार जमीन से जुड़े मामलों की खबर दर्शकों को दिखा रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले, और हर दिन नए नए तरीके के इस तरह के मामले हम तक पहुंच रहे हैं। ताजा मामला जो है अनगढ़ा से आया है जहां पर भू माफियाओं की करतूत, इनकी गुंडई कह सकते हैं, वो सामने आई है। जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए उतारू है और जो महिलाएं विरोध करने जाती है उनकी पिटाई कर डालते हैं। थाने का रोल क्या, प्रशासन का रोल क्या, पूरी जानकारी चाहेंगे। सर, इस तरह का बात है कि ये महिला, इन लोग का अपना जमीन है सर, जमीन में माफिया लोग इस जमीन में हावी हो के इस जमीन को बिक्री किया जा रहा है। हाँ। और थाना जब महिला पहुंचती है, महिला का कपड़ा फाड़ दिया जाता है वहाँ, और महिला के साथ पड़पानी किया जाता है, उसका हस्बैंड को भी पीटा जाता है जबरदस्त। उसके बाद उन लोग जब थाना पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी उन लोग को गाली गलौज करके भगा देता है, और किसी तरह से उन लोग जो मारपीट करने वाला है माफिया लोग है उन लोग के ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जाती है सर। इस सवाल तो यही खड़ा होता है दिनेश कि क्या पैसे के बल पे ये प्रशासन का मुंह बंद कर दे रहे? हम तो एक सवाल पूछ रहे हैं, आखिर क्यों प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही? महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है, उनकी पिटाई की जाती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? अभी इतना हावी हो गया सर, इसलिए पैसा दे देते हैं थाना में पुलिस प्रशासन, उन्हीं लोग के ये में चलते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब पर्दा के लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वैसे लोगों को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करती है प्रशासन। अब महिलाओं का क्या कहना है, पीड़ित महिलाओं का जानकारी चाहेंगे। पीड़ित महिला का कहना है सर कि हमको न्याय मिलना चाहिए, मेरा जमीन में हमको जो है हक मिलना चाहिए, मेरा जमीन को जबरदस्ती तरीके से बिक्री कर दिया गया है, दबंगगिरी करके, मारपीट करके, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं से मिली भगत इसमें है ही है, पैसा लेके प्रशासन टाल मोटल कर रही है, इन लोग को घुमा रहे हैं। इस तरह के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे आगे भी दिनेश। फिलहाल हम भी यही चाहते हैं कि पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिले, और अगर उनकी जमीन है वाकई तो फिर कोई भी गुंडा मवाली उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका। यस सर।
गए तो वहाँ बहुत सारा आदमी लोग था, पता हमको नहीं चला था। हम सोचे कि हम अपना ज़मीन को थोड़ा सा देख लेंगे, काहे कि लोग कहाँ पहले से सुन चुके थे, इसलिए हमको सूचना मिला। तो उस सूचना में हम गए तो वहाँ हमको इतना मैंने 30-40 गो औरत का झुंड था, उस बीच में हमको सब औरत लोग मारने लगा। दूसरी चीज़ की एक सीता लोहार है जो कि वो भी हमको चाकू उक्कू से मारा है, दो तीन जगह लगा है हमको, क्या क्या ब्लड उलट भी निकला। कहाँ पर है जमीन? इस जमीन बाया मौजा में है और खाता नंबर 46 है और प्लॉट है 1672 प्लॉट नंबर है। कौन थाना पड़ता है? थाना को दे चुके हैं। थाना क्या बोले? थाना बोल दिया अभी दिन हमारा काम वहाँ प्लॉट में होते ही जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और अनगढ़ा थाने पुलिस को भी चाहिए कि इस मामले में हस्तक्षेप करके जो सही है उसे उन चीजों को सामने लाए और जो दोषी उन पर कार्रवाई करे।